जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट 2022। नीट एक ऐसी परीक्षा है मेडिकल के फील्ड में जो सबसे बड़ी परीक्षा है। नीट का एग्जाम देने के बाद ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल की पढ़ाई के लिए अलॉट किए जाते हैं और नीट की एग्जामिनेशन से ही आपकी रैंकिंग आगे बनती है, तब जाके आपको मेडिकल एजुकेशन के लिए, फॉर एग्जांपल एमबीबीएस के लिए और अदर चीज़ों के लिए आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिलता है। 2022 में वर्तमान में अभी नीट का एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है, जहां से आप 2022 में नीट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके एंट्रेंस के लिए। लेकिन नीट के फॉर्म भरने में अगर थोड़ी सी भी माइनर मिस्टेक हो जाती है तो आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होता है या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है और ऐसी स्थिति में आपको एग्जाम देने को नहीं मिलता है। आज के इस वीडियो पे मैं आपको नीट का एप्लीकेशन कैसे फिल करना है कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। 2022 नीट एग्जामिनेशन के लिए आपको एप्लीकेशन के स्टेप पूरे इस वीडियो पे मैं कवर करूंगा, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करना है पूरा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसका फी कैसे पे करना है, ये पूरा आज के इस वीडियो पे मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं हूं चंद्रमा चक्रवर्ती, आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नीट का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nec.in पे आ जाना है, जिसका डैशबोर्ड होम पेज आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, क्योंकि नीट की 3 से 4 साइट्स हैं जहाँ पर आप जाएंगे या फिर आप सबसे पहले नीट सर्च करेंगे तो इसकी ऑफिशियल साइट ओपन होगी। ये मेडिकल एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो आप इस पर भी जाके आ सकते हैं, फिर डायरेक्ट मैं साइट दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ होम पेज पे आपको फर्स्ट पे भी मिल जाएगा, रजिस्टर फॉर नीट यूजी 2022, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रजिस्टर फॉर नीट यूजी 2022 का एक लिंक मिलेगा नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा, ओके पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होता है, जहाँ पर एक साइड स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन और यहाँ रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए लॉगिन का ऑप्शन होता है। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम पे ये भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, देन एग्जामिनेशन पे करना होगा फ़ी। यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस रखी गई है 1600 रुपये, जनरल EWS OBC के लिए फ़ीस रखी गई 1500 रुपये, जबकि SC ST OBC के लिए 900 रुपये की फ़ीस रखी गई है। यहाँ नीचे इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लेंगे, सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टूडेंट का नाम फिल करना है। स्टूडेंट का नाम याद रखें, गलती मत कीजिएगा, एक भी मिस्टेक मत करिए। आपको आपके 10th के हिसाब से फिल करना है, ना कि आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप अपना 10th का और आधार कार्ड सही कर लीजिए एक जैसा। यहाँ 10th के अकॉर्डिंग आपको डेटा फिल करना है। अभ्यर्थी का नाम फिल करेंगे, पिताजी का नाम फिल करेंगे, माताजी का नाम फुल नेम फिल करेंगे जो आपके 10th के मार्कशीट में है। अगर मार्कशीट में सरनेम नहीं लगा है पिताजी के में और माताजी के में तो आप उसे नहीं लगाएंगे। जैसा आपका 10th में है सेम वैसा ही आपको फिल करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जेंडर फिल करना है, जेंडर फिल करने के बाद नेशनलिटी आपको फिल करनी है। इसके बाद पहचान पत्र के प्रकार में आप क्लास 10th का एडमिट कार्ड दे सकते हैं या बैंक की पासबुक दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एपिक नंबर देख सकते हैं या फिर कोई अदर आइडेंटिटी कार्ड भी दे सकते हैं जिसपे फोटोग्राफ्स हो, तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं। यहाँ पर आप आधार संख्या एंटर करेंगे। इसके बाद आपको एड्रेस देना है, एड्रेस आपको अपने आधार का एड्रेस देना है। इसके बाद स्थानीय पता, देश में आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप किस स्टेट से हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। नेक्स्ट आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप। यहाँ पर आप अपना पिन कोड फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, अगेन से कंफर्म करेंगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल करेंगे, अगेन से ईमेल कंफर्म करेंगे। यहाँ पर अगर आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो दे सकते हैं। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, जो भी डेटा आपने ऊपर फिल किया हुआ है वो सारा डाटा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद
पासवर्ड आपको एक बना लेना है। पासवर्ड एक अपर कैरेक्टर, एक स्मॉल कैरेक्टर और अल्फा न्यूमेरिक आपको बनाना है। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड, एक क्वेश्चन आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे जो कि आपको फॉरगॉट पासवर्ड करने में हेल्प करेगा अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो। जैसे फर्स्ट स्कूल का नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं, पेट का नेम दे सकते हैं। यहाँ पर आप ना जवाब फिल करेंगे या आंसर फिल करेंगे, कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करना है। आपका फाइनल सबमिट होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर ये रिव्यू पेज आता है जहाँ पर लिखा होता है कि सारी डिटेल एक बार चेक कर लें। आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, इसे क्लोज करेंगे। यहाँ पर ये सारी डिटेल्स जो भी आपने फिल की हुई हैं इन कंसेंट बॉक्स को चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर आपने अपना नेम सही फिल किया है, जिसके लिए ये मेरा नेम कंसेंट बॉक्स पे चेक करेंगे, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको सही फिल किया है आपने। एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। आपका फाइनल सबमिट होता है ये फॉर्म और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है जो भी आपने नंबर फिल किया था। OTP को यहाँ पर आप फिल करेंगे एंड सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दे दिया गया है, इस एप्लीकेशन नंबर को आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये अभी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, या फिर आप विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका जो बचा हुआ है वो एप्लीकेशन फॉर्म का और फीस पेमेंट का बचा हुआ है। यहाँ पर नीचे एक बटन मिलेगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए सबसे पहले पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, अप्लाई एग्जाम सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड और फाइनल सबमिट, ये पूरे ऑप्शन हैं, इन्हें आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो भी आपने वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हमने डेमो के तौर पर डेमो नाम दिया हुआ था, फादर नेम डेमो फादर, डेमो मदर दिया हुआ था। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको राष्ट्रीयता इंडियन है। इसके बाद आप किस स्टेट से, जहाँ पर आपने ट्वेल्थ उत्तीर्ण की वो आपका स्टेट क्या है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको श्रेणी सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी जनरल, SC, ST, OBC, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप फिल कर सकते हैं और आप बनवा के उसे एज ए टाइम दे सकते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़े देने की तो आप ये फिल कर सकते हैं, जैसे जनरल, OBC, SC, ST, जो भी आपको फिल करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद अगर उम्मीदवार डिसेबल्ड है तो यस करें, नहीं तो नो करें, तो नो पे क्लिक हम करेंगे। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो क्या आप मधुमेह से पीड़ित हैं, तो यस करेंगे या फिर नो करेंगे। अगर आपको डायबिटीज़ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। निवास की जगह आपका अर्बन है या रूरल है तो वो आप फिल करेंगे, शहरी है तो अर्बन, ग्रामीण है तो रूरल। इसके बाद वार्षिक आय का स्लैब आपका कितना है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे अप टू 1 लाख रुपीज़ है तो इसे आप फिल कर देंगे। क्या आप अल्पसंख्यक से माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आप मुस्लिम, पारसी या फिर ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटी के अंदर आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। किस देश के आप निवासी हैं तो वो आप यहां पर फिल कर देंगे। अगर आप नीट के अलावा कोई दूसरी ड्रेस पहनने के इच्छुक हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद तैयारी का तरीका, आपने नीट की प्रिपरेशन कैसे की है, सेल्फ स्टडी या फिर किसी ऑनलाइन कोचिंग से या फिर कोई अदर तरीके से, जैसे सेल्फ स्टडी यहाँ पर फिल करते हैं। देन आप यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे एंड सेव एन नेक्स्ट। अब आपके पास क्या आधार नंबर है, तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, चूँकि यस पे क्लिक करते हैं। देन सबमिट पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका आधार विवरण या आधार डिटेल्स का होता है, जहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, साथ ही में एप्लीकेट का नेम होता है, जेंडर होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है। इसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपको यहाँ पर एग्री करना है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के साथ साझा करना चाहते हैं अपनी डिटेल्स UIDAI के साथ, तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन कंसेंट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा एप्लीकेशन के लिए कि आप किस चीज़ के लिए करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट UG के लिए है तो ये सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको परीक्षा का माध्यम क्या रखना है, हिंदी या इंग्लिश, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा का राज्य आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। इसके बाद आपको एग्ज़ाम सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, कौन सी एग्ज़ाम सिटी में आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर दिए दे रहे हैं जबलपुर फर्स्ट प्रायोरिटी,
इसके बाद दूसरा स्टेट आपको चुनना है, इस स्टेट में कहाँ आप देना चाहते हैं। तो अगेन हम यहाँ पर भोपाल की ये दे रहे हैं। एंड सेकेंड में आपको, थर्ड में आपको चूज़ करना है अपना स्टेट, देन आपको सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ देना चाहते हैं एग्ज़ाम सिटी। तो ये तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, तीन ऑप्शन आपको एग्ज़ाम सिटी के लिए चूज़ कर लेने हैं। इसके बाद चौथा भी ऑप्शन है यहाँ पे, तो चौथा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ भी आपको देना हो एग्ज़ाम। नेक्स्ट आपको अपने फादर का व्यवसाय यहाँ पर फिल करना है, एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियर, लॉ प्रैक्टिस जो भी करते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपके फादर की योग्यता आपको फिल करनी है। इसके बाद आपको अपने माता का व्यवसाय यहाँ पर फिल करना है, हाउस लेडी हैं या फिर एग्रीकल्चर है या बिजनेस है या फिर क्या करती हैं, तो वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद माता की योग्यता यहाँ से पूछी जाएगी, तो आप वहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, देन सेवन नेक्स्ट। नेक्स्ट कॉलम आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स का, जहाँ पर आपको टेंथ की, ट्वेल्थ की क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है। जैसे टेंथ आपने कब पास किया, आप पास थे या फेल थे, तो पास यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कब आपने पास किया वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आपको परीक्षा योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन एग्जाम, टेंथ और इक्विवेलेंट, स्कूल का स्थान रूरल या अर्बन था, कॉलेज का प्रकार आपका गवर्नमेंट था या प्राइवेट था। इसके बाद योग्यता का राज्य आपका कौन सा, किस स्टेट से आपने ये किया है, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। देन यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है, उस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से, बोर्ड आपका कौन सा था, CBSE था या MP बोर्ड था या फिर जो भी आपका स्टेट बोर्ड लगता था वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। देन परीक्षा का परिणाम परसेंटेज था या रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद रोल नंबर फिल करने के बाद टोटल मार्क्स कितने थे, आपने कितने ऑब्टेन किए, और यहाँ पर स्कूल का पता और पिन कोड फिल करना है। नीचे आएंगे, आपको सब्जेक्ट्स फिल करने हैं, आपको इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, कितने नंबर्स के एग्ज़ाम थे और आपने कितने टोटल मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हुए हैं, यहाँ पर फिल करना है। जैसे टोटल मार्क्स इंग्लिश में 100 का था और आपने ऑब्टेन कितने किए हैं, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। केमिस्ट्री में कितने का था, 100 का था, आपने कितने ऑब्टेन किए विथ प्रैक्टिकल, वो सब कुछ कैलकुलेट करके ही आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपके फिजिक्स के कितने एग्ज़ाम थे, 100 का था और आपने कितने ऑब्टेन किए, यहाँ पर आपको बायोलॉजी में कितने मार्क्स का एग्ज़ाम था और आपने कितने यहाँ पर ऑब्टेन किए। यहाँ पर सिक्योरिटी कैप्चा पिन डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशंस का यहाँ पर सेक्शन आता है, जहाँ पर क्या आपने कभी नीट पे शामिल हुए हैं, तो नो, अगर आपने पहले कभी नीट का एग्ज़ाम दिया है तो यस करेंगे, नहीं दिया है तो नो करेंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में आपको अपना इंडिया सेलेक्ट करना है, देन स्टेट में आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट आप अपनी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट सेक्शन आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे बाएं दाएं हाथ की उंगलियों के निशान, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ्स अपलोड करना है, श्रेणी या कैटेगरी प्रमाण पत्र आपको दे देना है। इसके बाद 10वीं की मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। इसमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट का फ़ोटो होता है बिना मास्क का, और 10th की मार्कशीट होता है, और सिग्नेचर आपके और फिंगरप्रिंट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर दे सकते हैं, और साथ में अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए आप जो एप्लीकेशन करेंगे उसकी रिसिप्ट अभी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। डॉक्यूमेंट का साइज JPG में रखना है और मिनिमम 10 KB से 200 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर हमने सारे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड कर दिए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोडेड डॉक्यूमेंट, अपलोडेड डॉक्यूमेंट, अपलोडेड डॉक्यूमेंट, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को देखना भी चाहते हैं तो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपको शो हो जाएंगे। बहरहाल हमने फ्री डेमो के तौर पर ये अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट आपको सिखाने के लिए। यहाँ पर आप कैप्चा फिल करेंगे, देन सेवन नेक्स्ट। आपके सामने ये प्रीव्यू पेज आ जाता है, जहाँ पर आपकी फ़ाइनल सबमिट डिटेल्स होती हैं, जो भी आपने फिल किया हुआ है उसे एक बार आप प्रीव्यू करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जेंडर, कैटेगरी और एग्ज़ाम सेंटर, सिटीज़,
आपकी योग्यता क्या है, कहाँ से आपने किया हुआ है, जैसे ये सब कुछ हमने फिल किया हुआ था एज अ डेमो के तौर पे, तो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार आप अपना इत्मीनान से मैच कर लीजिए, सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से चेक करेंगे, सारी चीज़ें एक बार वेरीफाई करेंगे, देन आप इन सारे कंसेंट बॉक्स को चेक करेंगे। जैसे कि इसका मतलब ये है कि आपने सारी चीज़ें यहाँ पर सही फिल की हुई हैं, सारी कंसेंट बॉक्स यहाँ से चेक कर देंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट आप नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन आप एग्री करेंगे, देन फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। आपका फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, देन आपका रिमेनिंग सेक्शन फीस पेमेंट का बचता है, जिसके लिए आप अगर एडिट करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन को तो एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके कोई अगर आपने त्रुटि की है तो आप एडिट कर सकते हैं, या फिर आप फाइनल सबमिट करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट, और आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ओटीपी एक ईमेल पर भेजा जाएगा, OTP फिल करके आप अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, पे एग्जामिनेशन फ़ीस, तो आपको पे एग्जामिनेशन फ़ीस पे क्लिक करके अपनी एग्जामिनेशन फ़ीस ऑनलाइन तरीके से पे कर देनी है। सो गाइस, ये एक बार आप पेमेंट जब कर देते हैं, पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाता है, तो वहाँ से आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाती है और इस रिसिप्ट को आप प्रिंट करके रख सकते हैं। ये आपके एप्लीकेशन नंबर इसमें मेंशन होता है, जो आपके काम में आएगा जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। इसी एप्लीकेशन नंबर का, डेट ऑफ बर्थ का, मोबाइल नंबर का, पासवर्ड का यूज करके जो आपने क्रिएट किया, ईमेल आईडी का, इसका यूज करके आपका नीट का एडमिट कार्ड जनरेट किया जाता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। वीडियो में आपने जाना कि आप नीट 2022 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस इसकी क्या है। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।